HBN न्यूज, जो सच वही खबर। SP ने मासिक अपराध संगोष्ठी में दिया पुलिस अधिकारियों को निर्देश, बेहतर कार्य करने के लिए पुलिसकर्मी पुरस्कृत किए गए। SP ने कहा, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर होगी कार्रवाई। बोकारो 14 सितंबर। बोकारो पुलिस कप्तान पी मुरुगन ने आज अपने सभाकक्ष में मासिक अपराध संगोष्ठी के दौरान पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में निष्पादन, नक्सल प्रभावित इलाकों में नियमित ऑपरेशन चलाने, वारंटियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर कार्य में लापरवाही नहीं बरतें। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामले की अद्यतन जानकारी ली तथा कार्रवाई करने का निर्देश जारी करते हुए लापरवाह थाना अध्यक्षों को फटकार लगाई। SP श्री मुरुगन ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बोकारो पुलिस कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। SP ने विगत बैठक की संपुष्टि करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। अनुरोध है कि जितनी भी मैक्सिमम मामला है उसी के लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन करना है, और इसमें दोनों पक्ष का विन विन सिचुएशन है। इसमें जो भी जो कोर्ट मुकदमा का जो लंबा समय लगता है उसी से बचाने के लिए, और जो भी मामला है जो नेगोशिएशन के माध्यम से जो सेटल हो जाता है उसी मामले का लिया जाता है, खास करके इंश्योरेंस क्लेम हो, बैंक फाइनेंशियल सेक्टर का मामला हो या फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट हो, इसी में सभी लिटिगेंट्स अपने अपने पक्ष के अपने निष्पादन के लिए मैक्सिमम प्रयास करते हैं। ये खास करके जो बोकारो जिले में अधिक संख्या में जो मामला डिस्कस हुई होने के लिए प्रयास करते हैं। पुलिस विभाग के द्वारा भी बहुत सारे मामलों में संबंध इशू किया है, और बहुत सारे लोग के बीच में इसी के बारे में हमने प्रोग्राम भी आयोजन किया है। सभी मिलकर सफल आयोजन सर, क्राइम मीटिंग भी है, क्या क्या मामले आए हैं।